मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस क्लास में। मैं दीपा रावत आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। इसके और पार्ट्स प्रीवियस पार्ट्स हम अपने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको दिया है 1 plus 10 square a upon 1 plus what square a equals to 1 minus 10 a upon 1 minus what a का whole square equals to 10 square a। यानी कि आपको ये वाला पार्ट प्रूव करके, ये वाला पार्ट सॉल्व करके ये पार्ट प्रूव करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करके ये लाना है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम इसको LHS कंसिडर कर लेते हैं, उसको RHS। तो यहाँ पर हम LHS से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है आपके पास 1 plus 10 square a upon 1 plus what square a। अभी हमने कल की वीडियो में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या थी कि जहाँ पर हमारे पास 1 plus 10 square a आएगा वहाँ पर उसकी वैल्यू होती है sec square a, और जहाँ पर 1 plus cot square a आएगा इसकी वैल्यू होती है cosec square a। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 plus 10 square a की वैल्यू sec square a। 1 plus cot square a की जगह में हम लिख लेंगे cosec square a। अब हमें पता है जो sec होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos a का। यानी कि sec a को मैं लिख सकती हूँ 1 upon cos a, और cosec a को मैं लिख सकती हूँ 1 upon sin a। इन वैल्यूज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, sec a की जगह में 1 upon cos a, लेकिन स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे cos square a, और यहाँ पर cosec स्क्वायर a की जगह में हम लिखेंगे 1 upon sin square a। ये वाला पार्ट इधर घूम जाएगा, ये वाला पार्ट इधर। तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए के साथ, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी कि साइन अपॉन कॉस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन ए इक्वल्स टू होता है हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10a, ये हो जाएगा आपके पास 10a, लेकिन स्क्वायर है तो 10 square a। तो हमने इसका RHS पार्ट निकाला। अब हम करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट प्रूव करके ला चुके हैं, अब हमने इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट प्रूव करके लाना है। तो यहाँ पर थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर हम इसको LHS मानेंगे और ये हो जाएगा आपके पास RHS। तो यहाँ पर जो दूसरा LHS है वो ये है 1 minus 10 a upon 1 minus cot a इस पूरे का होल स्क्वायर, बाहर से ब्रैकेट है तो हम क्या बोलेंगे इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो वही फॉर्मूला फिर हम यूज करने वाले हैं, 1 की जगह में 1, 10 a की जगह में भी हमने बोला साइन a अपॉन कॉस a, इसको लिखा जा सकता है। फिर अपॉन ये इसको थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं, और यहाँ पर भी 1 minus cot a की जगह में आ जाएगा cos a अपॉन sin a, बाहर से होल स्क्वायर चल रहा है पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे LCM, इसके नीचे जो कुछ नहीं होगा हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, 1 और cos का जो LCM आएगा वो आएगा cos a, ये आ जाएगा cos 1 cos और 1 cos 1 cos। तो cos a माइनस cos 1 जब cos 1 sin जब sin sin a। उसी प्रकार से ये वाला वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, ये अपॉन, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 1 और sin का LCM क्या आ जाएगा sin a, sin a यहाँ पर LCM आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं 1 sin जब sin, sin 1 जब sin, तो यहाँ पर हो जाएगी sin a माइनस sin 1 जब sin, 1 cos जब cos a। इस पूरे के बाहर से क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के बाहर से स्क्वायर चल रहा है। अब हम कर लेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन, ये वाला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इसके साथ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा वो आएगा साइन ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए माइनस
माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन यहाँ पर कॉस ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे में क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है तो हम क्या करने वाले हैं देखो साइन ए अपॉन कॉस ए से हमें टेन ए तो मिल चुका है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जब कैंसिल होगा देखो हमारे पास आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन ए पॉजिटिव है कॉस ए नेगेटिव है जबकि साइन यहाँ पर नेगेटिव है कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है ये जब कैंसिल होंगे तो हमें इनके साइंस को चेंज करना पड़ेगा यानी कि इनको एक जैसे फॉर्म में बनाना पड़ेगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगी माइनस का साइन कॉमन कर दूँगी और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ जब हमने माइनस का साइन कॉमन किया तो माइनस वाला पार्ट बन जाएगा प्लस वाला तो साइन ए ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ए और अपॉन क्या चल रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज रहने वाला है बाहर से इस पूरे पार्ट में क्या चल रहा है आपके पास होल स्क्वायर चल रहा है ब्रैकेट के आगे स्क्वायर लगा है अब देखो बिल्कुल ये सेम चीज बन चुकी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर तो जब किसी भी नेगेटिव का हम स्क्वायर करते हैं तो खुद ही क्या बन जाते हैं पॉजिटिव बन जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर ए तो यहाँ पर भी हमने ये आए हैं और आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर भी ये आया था इसको सॉल्व करने पर भी ये आया था यानी कि हमने क्वेश्चन का अच्छे से प्रूव कर लिया है आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहेगा मेरे साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग